Hello student, good morning to all of you. बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है ऑर्गेनिक क्लास के लेक्चर नंबर 2 में. फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बहुत चीजें सीखी थी, जिसमें मैंने इनिशियल से बताना स्टार्ट किया था. मैं उस चैप्टर को उस लेक्चर को फिर से एक बार रिमाइंड कर देना चाहता हूं, ताकि आप फिर से फ्रेश हो जाएं, आपके दिमाग में वो सारी चीजें आ जाएं. तो पहले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा 12th का केमिस्ट्री है, उसको हम लोगों ने सबसे पहले 3 पोर्शन में डिवाइड किया था. फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड द लास्ट वन इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अब जो 12th का सिलेबस हमारे पास आया था, उसमें टोटल हमारे पास 7 चैप्टर थे, जिसमें फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था और उस चैप्टर का नाम था हेलो एल्केन एंड हेलो एरेंज. तो हेलो एल्केन और हेलो एरेंज का हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स देखा था, यानी टोटल उसके जो मटेरियल्स थे उसके बारे में हम लोगों ने जाना था कि हमें क्या क्या चीजों को डील करना है, हमें इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ना है. आगे चल के मैं ये भी बताऊंगा कि इस चैप्टर के किस पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन बनाए जाते हैं और आपके एग्जाम में किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस चैप्टर को आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है. अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है तो उस चैप्टर में किस पोर्शन को ज्यादा आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं, मैं ये सब बताते चलूंगा और इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी साथ में हम लोग देखते चलेंगे. जो नेम टाइप का रिएक्शन है उसको भी हम लोग साथ में देखते चलेंगे. तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरेंज. उसमें हम लोगों ने देखा था कि हेलो एल्केन क्या है, यानी अगर एल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम हटा के ज्यादा भी हटाए जा सकते हैं, लिमिट कोई नहीं है. अगर एक हाइड्रोजन एटम हटा के हमने एक हेलोजन जोड़ा था तो हमारे पास बन के आ गया था हेलो एल्केन. सिमिलरली अगर एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर से हमने एक हाइड्रोजन एटम हटा के अगर हेलोजन जोड़ा हुआ है तो हमारे पास बन के आ रहा था हेलो एरेंज, जिसको फर्दर हम लोगों ने एक और नाम दिया था एराइल हैलाइड. तो यहां तक हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, फर्स्ट लेक्चर में यहां तक पढ़ा था. अब हमें देखना है ऑब्जेक्टिव्स के अंदर सेकंड नंबर पे हमें क्या देखना है, तो वह हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरेंज, यानी उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में जानना है कि इसको कैसे क्लासिफाइड किया जाता है और किस आधार पर क्लासिफाइड किया जाता है. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेंज, हेलो एल्केन एंड हेलो एरेंज. इसका इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था. इसका इंट्रोडक्शन जो है हमने पहले लेक्चर में देख चुका है. अब हमें इसका देखना है ऑब्जेक्टिव 2 में कि क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेंज, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरेंज, यानी इसका वर्गीकरण हेलो एल्केन और हेलो एरेंज का वर्गीकरण. तो सबसे पहले हम देखते हैं
की जो क्लासिफिकेशन है हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स का, और सबसे पहले दो आधार पे किया जाता है, दो बेसिस पे किया जाता है। इसमें पहला है ए, ए जो है उसमें है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन, हैलोजन एटम्स, यानी हैलोजन एटम के संख्या के आधार पे, यानी जितने हैलोजन एटम जुड़े हुए हैं उस आधार पे हम इसका क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं हैलोजन परमाणु के संख्या के आधार पर वर्गीकरण, यानी पहला वर्गीकरण किसके आधार पे हो रहा है, हैलोजन एटम की संख्या के आधार, इसका नाम मैंने क्या दे रखा है ए, क्या दे रखा है ए। अब बी जो है, बी इसमें क्लासिफिकेशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, यानी सी एक्स बॉन्ड के प्रकृति के आधार पे हेलो एल्केन हेलो एरिन्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ये हमें किसमें देखना है, बी के अंदर, यानी सी एक्स बॉन्ड के प्रकृति के आधार पर, आधार पर वर्गीकरण। तो कितने आधार पे हेलो एल्केन हेलो एरिन्स का वर्गीकरण हो रहा है स्टूडेंट, दो आधार पे, पहला हैलोजन एटम की संख्या के आधार पे, और दूसरा कि हमारे पास जो सी एक्स बॉन्ड है उसके प्रकृति के आधार पे। तो सी एक्स बॉन्ड के प्रकृति के आधार पे अब पहला हम लोगों को स्टार्ट करना है कि ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन एटम, यानी एलिफैटिक या एरोमेटिक कंपाउंड में हैलोजन कितने जुड़े हुए हैं उसके आधार पे इसको कैसे डिवाइड किया जाता है, ये हमें देखना है ए के अंदर, किसके अंदर देखना है ए के अंदर, और सी एक्स बॉन्ड के आधार पे बी के अंदर। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आपको इसको नोट डाउन कर लेना है, और पहला क्लासिफिकेशन हम लोग डील करेंगे और उसके आधार पे टोटल क्लासेस देखेंगे। सो स्टूडेंट, हम लोगों ने मोनो हैलोजन देख लिया, अब डाई हैलोजन की बात करते हैं। तो डाई का मतलब क्या होता है, दो, यानी एलिफेटिक या एरोमेटिक कंपाउंड में कितना हैलोजन हो, अगर दो हैलोजन एटम हो तो उसको हम लोग बोलेंगे डाई हैलोजन कंपाउंड। अब अगेन जो डाई हैलोजन है हमारे पास उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जो डाई हैलोजन है अपने पास, डाई हैलोजन, डाई हैलोजन इसको पुनः दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, कितने पोर्शन में डिवाइड किया जाता है, दो। पहला पोर्शन जो है वह है विसिनल डाई हैलाइड और दूसरा है जेमिनल
डाइहैलाइड, देन फर्स्ट वन इज विस्ना डाइहैलाइड एंड द सेकंड वन इज ज़ेमना डाइहैलाइड। अब देखिए दोनों में बहुत ही माइनर डिफरेंस है और यहां पे कंफ्यूजन सभी को आता है, तो हमें कोशिश ये करना है कि हम इस चीज को अच्छे से जाने, अच्छे से पढ़ें, बस थोड़ा सा डिफर है दोनों के अंदर। अगर दोनों हाइलोजन जो है, अगर दो अलग अलग कार्बन पे जुड़े हुए हों, यानी बगल वाले कार्बन पे जुड़े हुए हों, तो उसको बोला जाता है विस्ना डाइहैलाइड। अगर दोनों हाइलोजन एटम जो है वह एक ही कार्बन पे जुड़ा हुआ हो तो उसको बोलते हैं ज़ेमना डाइहैलाइड, विस्ना डाइहैलाइड और दूसरा है ज़ेमना डाइहैलाइड। तो इतना को नोट डाउन किया जाए। अब हम देखने जा रहे हैं कि विस्ना डाइहैलाइड का क्या एग्जाम्पल है और ज़ेमना डाइहैलाइड के क्या एग्जाम्पल है। तो हम देखते हैं विस्ना डाइहैलाइड और ज़ेमना डाइहैलाइड, अच्छे से ध्यान देंगे इस पर। यहां से क्वेश्चन बनाए जाते हैं और नमन क्लेचर के लिए अक्सर यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द नमन क्लेचर ऑफ दैट कंपाउंड। तो फर्स्ट हम देखते हैं ए में हम नाम दे देते हैं ज़ेमिनल, सॉरी विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड, जिस कंपाउंड में या जिसमें दोनों हैलोजन एटम दो अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हो, यानी दो हाइड्रोजन से जुड़े हुए हो, लेकिन दोनों कैसे जुड़े हुए, अलग अलग कार्बन एटम पे। जैसे हम लोग देखते हैं CH2, यहां एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है और दूसरा है CH2 और यहां एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है, तो ये अलग कार्बन है और ये है क्या है, अलग कार्बन है। तो इस टाइप को बोला जाता है विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड, जस्ट लाइक एज एरोमेटिक कंपाउंड में हम देखते हैं यहां एक हैलोजन जुड़ा हुआ है और सिमिलरली यहां एक हैलोजन जुड़ा हुआ है। अब देखिए x बराबर हो सकता है अपने पास Cl हो सकता है और Br भी हो सकता है, Cl भी हो सकता है और Br भी हो सकता है। तो जैसे हम अप्लाई करते हैं CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां हम क्या ले लेते हैं क्लोरीन और यहां भी ये क्या ले लेते हैं क्लोरीन, क्या ले लिया हमने हैलोजन के जगह पे क्लोरीन, तो इसका जो नाम हो जाएगा इधर से नमन क्लेचर करते हैं तो यह 1 और यह क्या हो गया 2, तो 1,2 इथिलीन डाइक्लोरो, 1,2 डाइक्लोरो इथेन, क्या आईपीएसी नाम हो गया इसका 1,2 डाइक्लोरो इथेन। वैसे ही अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर लेते हैं तो एक क्लोरीन यहां पे आ गया और एक क्लोरीन कहां आ गया, यहां पे आ गया, यानी अगर बात किया जाए तो यह कौन सा पोजीशन है, या इसको बोला जाता है अर्थो पोजीशन, दिस इज कॉल्ड बेटा पोजीशन एंड द लास्ट वन इज पैरा पोजीशन। अगर नेमिंग किया जाए तो यह 1,2 और यह क्या हो गया 3, यानी 1,3 डाइक्लोरो और रूट अपना क्या है बेंजीन,
1,3-dichloro benzene. तो ये सब हमारे पास किसके एग्जाम्पल थे, विसनल डायहैलाइड के, किसके एग्जाम्पल थे, विसनल डायहैलाइड के, यानी जिसमें दो हैलोजन तो जुड़ा हुआ हो लेकिन दोनों क्या हो, अलग अलग कार्बन एटम के जुड़े हुए हो, चाहे वो एरोमेटिक कंपाउंड हो हमारे पास, चाहे वो एलिफैटिक कंपाउंड. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एलिफैटिक एंड दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक. दोनों में कितने हैलोजन एटम है, दो हैलोजन एटम है. तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, विसनल डायहैलाइड के. अब हम देखते हैं कि जेमिनल डायहैलाइड क्या देखना है हमें, जेमिनल डायहैलाइड, इसको हमने नाम दे दिया बी. क्या नाम दे दिया हमने, बी. हमें क्या देखना है, जेमिनल डायहैलाइड. ओके, क्या है हमारे पास, जेमिनल डायहैलाइड, यानी जिसमें दोनों कार्बन जिसमें दोनों हैलोजन एटम एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ हो, एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ, यानी दो हैलोजन एटम तो जुड़ा हुआ हो लेकिन कैसे जुड़ा हुआ हो, एक ही कार्बन पे जुड़ा हुआ है. जस्ट लाइक दैट CH3CH, और यहां भी एक X जुड़ा हुआ हो और यहां भी एक X जुड़ा हुआ हो, यानी दोनों कितने हैलोजन एटम है अपने पास, दो, और कौन से, एक ही कार्बन से दोनों जुड़ा हुआ है. तो इसको बोला जाता है जेमिनल डायहैलाइड. क्या बोला जाता है, जेमिनल डायहैलाइड, जेमिनल डायहैलाइड. दोनों में आ रहा है बात समझ में, अगर अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ हो दिस इज कॉल्ड विसनल, अगर एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ हो दिस इज कॉल्ड जेमिनल. अब ले लेते हैं x बराबर cl भी हो सकता है और क्या हो सकता है, br भी हो सकता है. तो हमने एक एग्जांपल ले लिया CH3CHCl और यहां भी अपने पास क्या आ गया, cl. तो इसका नाम क्या हो जाता है, इथाइलिडीन क्लोराइड. क्या नाम हो जाता है, इथाइलिडीन क्लोराइड. अगर नाम आईपीसी नेम लिखा जाए तो 1 और 2, यानी 1,1-dichloroethane. तो बात समझ में आ गया, व्हाट इज विसनल डायहैलाइड एंड व्हाट इज जेमिनल डायहैलाइड. दोनों में एग्जांपल स्पष्ट समझ में आ रहा है, जिसमें दोनों अलग अलग कार्बन से जुड़े हो विसनल, जिसमें दोनों हैलोजन एक ही एटम से जुड़ा हो दिस इज कॉल्ड जेमिनल. इसको नोटबुक में राइट डाउन कर लिया जाए. अब हम लोग देख रहे हैं ये हम किसके आधार पे देख रहे थे, नंबर ऑफ हैलोजन एटम के आधार पे. किसके आधार पे देख रहे थे स्टूडेंट, नंबर ऑफ हैलोजन एटम के आधार पे. हमने पहला देखा मोनो हैलोजन और दूसरा देखा डाय हैलोजन. अब हमारे पास आ रहा है ट्राई हैलोजन, यानी कितना है, थर्ड है ट्राई हैलोजन, या इसको बोल सकते हैं ट्राई हैलो एल्केन. क्या बोल सकते हैं, ट्राई हैलो एल्केन. अब देखिए ट्राई मतलब क्या है, ट्राई का मतलब होता है तीन, ट्राई का मतलब क्या होता है, तीन, अर्थात जिसमें तीन हैलोजन एटम
अर्थात जिसमें तीन हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हों। कितने हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हों स्टूडेंट? तीन। तो अगर एक है मोनो, दो है डाई और अगर उसमें तीन आ गया तो क्या कहलाएगा वह? ट्राई। इसका एग्जांपल है, देखिए इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, हेलोफॉर्म रिएक्शन। क्या बोला जाता है? हेलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? हेलोफॉर्म रिएक्शन। इसका जो एग्जांपल है अपने पास वह हो जाता है CH Cl3, यानी इसको अगर लिखा जाए तो C Cl 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 और H। स्टूडेंट ध्यान दिया जाए, यहां पे हमारे पास कितने हेलोजन एटम है? तीन। तो इसके लिए हमने क्या यूज किया? ट्राई। इसका नाम हो जाता है क्लोरोफॉर्म। क्या नाम हो जाता है? क्लोरोफॉर्म। इसका यूज किया जाता है एनेस्थेटिक के रूप में, एनेस्थेटिक के रूप में, यानी जो ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर लोग, तो ऑपरेशन से पहले मरीज को क्या किया जाता है? क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया जाता है, जिससे उससे क्या हो जाता है? बेहोशी छा जाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, CH और I3। इसका नाम होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, C I I I, और यहां क्या लिख दिया जाए? H। इसका नाम होता है आयोडोफॉर्म। क्या नाम होता है? आयोडोफॉर्म। यह जो है एक एंटीसेप्टिक के रूप में इसका यूज किया जाता है। किसका रूप में यूज किया जाता है? एंटीसेप्टिक के रूप में, यानी प्रतिरोधी के रूप में, ठीक है। तो समझ गए कि ट्राई हैलाइड क्या है, यानी जिसमें कितना हैलोजन एटम हो? तीन। अगर एक है मोनो, दो है डाई और तीन आ गया तो क्या कहलाएगा? ट्राई। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल आ गया क्लोरोफॉर्म और दूसरा एग्जांपल क्या आ गया? आयोडोफॉर्म। अब हम देखते हैं एक और, राइट डाउन कर लिया जाए इसको, एक और देखते हैं, लास्ट क्लासिफिकेशन है हमारे पास हैलोजन एटम के आधार पर, हैलोजन एटम के आधार पर लास्ट क्लासिफिकेशन है, जिसका नाम है टेट्रा हैलाइड। क्या नाम है? टेट्रा हैलाइड। टेट्रा हैलाइड। अब देखिए टेट्रा, टेट्रा का क्या मतलब होता है? चार। टेट्रा का क्या मतलब होता है? चार, यानी जिसमें चार हैलोजन एटम, चार हैलोजन एटम जुड़े हुए हो। स्टूडेंट कितने हैलोजन एटम जुड़े हुए हों? चार। अब देखिए इसका एक एग्जांपल अपने पास आ जाता है, CCl4। क्या आ जाता है? CCl4। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, Cl Cl Cl, और यहां भी क्या लिख दिया जाए? Cl। इसका नाम हो जाता है टेट्रा क्लोरो मीथेन, या इसको लिख सकते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या लिख सकते हैं? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो अभी जो हम क्लासिफिकेशन देख रहे थे वह हैलोजन एटम के संख्या के आधार पर देख रहे थे, जिसमें पहला कैटेगरी अपने पास आया मोनो हैलोजन, सेकंड डाई हैलोजन, थर्ड ट्राई हैलोजन, और लास्ट जो है वह क्या आया? टेट्रा हैलाइड, यानी टेट्रा हैलोजन। तो
मैं आशा करता हूं कि ये आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें कुछ खास चीजें नहीं है, ये सब चीजों से आप लोगों को 11th में मिला होगा, सब 11th में मिले हुए चीज है। सो ज्यादा इस पे नर्वस नहीं होना है, ज्यादा कुछ है भी नहीं इसमें। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट स्टूडेंट अपना जो ए वाला पोर्शन था क्लासिफिकेशन में, वह यहां पे आगे क्या होता है, खत्म होता है। अब हमें देखना है बी वाला पोर्शन, जो बी का क्लासिफिकेशन था सीएक्स बॉन्ड के नेचर के आधार पे। अब हमें उस क्लासिफिकेशन को देखना है, उसको समझना है और अच्छे से समझना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ डिफरेंट नाम मिलेंगे आपको, कुछ डिफरेंट रिएक्शन मिलेंगे। तो मैं बी पोर्शन से स्टार्ट करता हूं, बी जिसमें है क्लासिफिकेशन, बी क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। On the basis of nature of CX bond, nature of CX bond, यानी CX bond के प्रकृति के आधार पर, यानी यहां पर लिख देते हैं वर्गीकरण, वर्गीकरण सीएक्स बंध के प्रकृति के आधार पर, सीएक्स बंध के प्रकृति के आधार पर। अब देखिए इसके आधार पर जो है हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है? तीन पार्ट में। और वो पार्ट लिया जाता है हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे, यानी बॉन्डिंग के आधार पे। अगर सिंगल बॉन्ड हो हेलोजन के साथ, सीएक्स बॉन्ड के साथ अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसके साथ कितने क्लासेस हैं, अगर सीएक्स बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड है तो उसके साथ क्या क्लासेस होगा, अगर सीएक्स बॉन्ड के साथ ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके साथ क्या क्लासेस होगा। तो पहला जो इसका क्लास है वह हमारे पास है अगर सीएक्स बॉन्ड हो और इसके साथ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, sp3 हो। sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन है, इसके क्या कहने का मतलब है, यानी जो कार्बन के साथ बॉन्डिंग है सीएक्स बॉन्ड के अलावा, जो सीएक्स बॉन्ड के अलावा जो बॉन्डिंग है उसके साथ कौन सा बॉन्ड लगे हुए हैं, सिंगल बॉन्ड। यानी पहला sp3 हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे, दूसरा सीएक्स बॉन्ड तो रहेगा ही लेकिन उसके साथ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, sp2। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, sp2। कितने क्लास आ गए अपने पास, दो। नंबर थर्ड, अगर सीएक्स बॉन्ड हो लेकिन उसके साथ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, sp। उसके साथ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, sp। अब देखिए सीएक्स बॉन्ड जो है sp3 जो है हाइब्रिडाइजेशन, इसके आधार पर पुनः तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है, तीन पार्ट में। पहला डिवाइड किया जाता है 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और कौन से डिग्री में, 3 डिग्री में। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में। फिर अगेन इसको डिवाइड किया जाता है एलाइनिक हैलाइड। क्या नाम है इसका, एलाइनिक हैलाइड। और फिर नंबर थर्ड आ जाता है इसमें बेंजाइलिक हैलाइड। क्या आ जाता है, बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। इसको नाम दे देता हूं मैं ए, इसका नाम दे दिया जाए बी, इसका नाम दे दिया जाए सी, फिर अगेन इसका नाम दे देते हैं हम 1,
इसका नाम दे देता हूं टू और इसका नाम दे देता हूं थ्री। अब एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन जो है इसके आधार पर भी दो टाइप से डिवाइड किए जाते हैं, इसके आधार पर भी कितने टाइप से डिवाइड किए जाते हैं, दो टाइप से हैलोजन को डिवाइड किया जाता है। पहला है विनाइलिक हैलाइड यानी विनाइलिक हैलाइड और दूसरा जो है वह है एराइल हैलाइड। क्या है अपने पास? एराइल हैलाइड, ठीक है। तो पहला जो था एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे तीन पार्ट में डिवाइड किया गया था, पहला 1, 2, 3 यानी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी, दूसरा था एराइलिक हैलाइड, तीसरा था बेंजाइलिक हैलाइड। फिर एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे अल्काइल हैलाइड को दो पोर्शन में डिवाइड किया गया है, पहला है विनाइलिक हैलाइड और दूसरा है एराइल हैलाइड। और एसपी टू के आधार पे एक ही एग्जांपल आता है अपने पास एसिटाइल, जिसमें क्या बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड, इसका कोई पार्ट नहीं है, उसके पास क्या है, एग्जाम्पल। तो हम इन सभी क्लासिफिकेशन को एक एक करके अच्छे से स्टडी करेंगे, समझेंगे। हमें ज्यादा डाउट कहां पे क्रिएट होता है कि यहां पे दिया हुआ है एलाइन हैलाइड और यहां पे दिया हुआ है विनाइल हैलाइड, इन दोनों में ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि व्हाट इज एलाइन हैलाइड, व्हाट इज विनाइल हैलाइड। नेक्स्ट बेंजाइलिक हैलाइड और एराइल हैलाइड, दोनों में बेंजीन रिंग जुड़े हुए रहते हैं, दोनों में क्या जुड़े हुए रहते हैं, बेंजीन रिंग। तो इस क्लासिफिकेशन को राइट डाउन कर लीजिए और अच्छे से हम इसको एक एक करके समझेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों को जरूर समझ में आएगा। सो आज के लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, टेक योर सेल्फ, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।